सो गाइज रिसेंटली मैंने ये MI 10i का अनबॉक्सिंग किया अपने चैनल पर और भाई वो वीडियो ने तो मतलब मचा डाला भाई। 24 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज के आसपास पहुंच गया, मतलब दैट इज क्रेजी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बट आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस बताओ, ये 750G का कैसा है, अगर हम गेम खेलेंगे तो फ़ोन गर्म होता है या नहीं होता, बैटरी कितनी ड्रॉप होती है, ये सारी बातें आप लोग पूछ रहे हो, तो वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में। सो हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ ज़हीर एंड दीज आर द गेमिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन एज वेल एज हीटिंग टेस्ट ऑफ दिस MI 10i। सो लेट्स बिगिन। By the way, ये जो फोन है इसके अंदर हमको Qualcomm की तरफ से आता हुआ 750G प्रोसेसर मिलता है भाई, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, 5G बेस्ड चिपसेट है और जो UFS 2.2 की स्टोरेज है तो भाई कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। तो अभी हम लोग खेलते हैं गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे और देखेंगे कैसा चलता है। By the way, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा मन है कि जो पबजी का KR वाला है, कोरियन वर्जन पबजी जो है, वो इसके अंदर खेलूँ और वो भी ट्राई आउट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अनबॉक्सिंग में ये बात बोल रहे थे कि भाई एक बार ट्राई करो पबजी खेलो। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि मैं इसके अंदर पबजी भी खेल के ट्राई करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा उसके ऊपर और देखूँगा ये फ़ोन कैसा काम करता है पबजी के साथ में। अभी आप लोग ये कॉल ऑफ ड्यूटी का वीडियो देखो कैसा काम करता है एक्चुअली में ये फ़ोन कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते। पहले तो मैं आपको बेंचमार्क दिखा देता हूँ। तो N22 में जैसे आप लोग देख रहे हो 3,26,000 स्कोर किया भाई इसने, गीक बेंच में देखो 631 है, 1936 स्कोर किया। उसके बाद जब मैंने इसका स्टोरेज का बेंचमार्क किया तो उसका रिजल्ट देख रहे हो, 800 के ऊपर ये रीड है और राइट स्पीड भी लगभग 500 के ऊपर है भाई, दैट इज़ वेरी क्रेजी। सो मेरे हिसाब से जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है और जो ओवरऑल बेंचमार्क है वो ऑन पेपर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अभी हम लोग है ना गाइस इसके अंदर ये वाला गेम खेलते कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और देखेंगे भाई कैसा फ़ोन चल रहा है। फिलहाल अगर मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो टाइम 2:44 हो रहा है। फिलहाल जो बैटरी है गाइस जैसे आप लोग देख रहे हो 72% है फोन में और 2:45 हो रहा है और मैं टाइमर भी चालू करता हूँ। तो लेट्स सी देखते कितना चलता है। बाय द वे फिलहाल जो टेम्परेचर है रूम का, तो रूम का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और फ़ोन का भी टेम्परेचर 31-32 डिग्री सेल्सियस मैक्स टू मैक्स 31 डिग्रीज है, तो ठीक है, कुछ बुरा नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेट्स स्टार्ट द कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, लेट्स सी देखते कैसा चलता है भाई। देखो गाइस हाई पे है और मैक्स की सेटिंग दी हुई है, तो उसको मैं वेरी हाई करता हूँ तो वेरी हाई पे नहीं चलता, लेकिन तो हाई पे और मैक्स की सेटिंग पे चलाएंगे भाई। मैक्स फ्रेम रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैक्स फ्रेम रेट पे 60 FPS का हमको वो मिलता है, काइंड ऑफ गेम प्ले मिलता है। सो या लेट्स प्ले बैटल रॉयल भाई। बैटल रॉयल पे तो असली औकात मालूम पड़ती प्रोसेसर की, समझ में आ रहा है। टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ध्यान से उतर गया। मार दिया ससुर का नाती।
मार दिया ससुर का नाती। 20 मिनट हो गया गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये जो हाई सेटिंग है ना मैक्स ग्राफिक उसके ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चलता भाई। टेम्परेचर देख रहे हो 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए यहाँ पर, तो 41-42 डिग्री सेल्सियस। पीछे के साइड में भी काफ़ी गर्म है भाई, 40-42 डिग्री पहुंच गया है। सो डेफिनेटली फ़ोन तो गर्म होता ही है यार, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल का हीट नहीं है, इट्स ओके। मैक्स फ्रेम रेट पे तो चलता है, लेकिन जो हाई ग्राफिक है उसकी वजह से ना बीच में स्ट्रटर्स काफ़ी आते हैं, सो अभी थोड़ा ग्राफिक कम करना पड़ेगा। गाइस ग्राफिक को मैं मीडियम पे रख देता हूँ, हाई पे रखो ना थोड़ा दिक्कत देता है। अभी मीडियम पे रख के और हम लोग अभी मल्टीप्लेयर खेलेंगे यार, मल्टीप्लेयर खेलने में मज़ा आती है। मस्त चल रहा है इधर बढ़िया, आई हैव ओनली 3 बुलेट्स लेफ्ट। ओके 1 बुलेट लेफ्ट,
अरे वाह जीत गया 45 vs 26 देख रहे हो एमवीपी भाई मचा दिया चलो बंद करते हैं अभी गेम 35 मिनट्स हो गया जैसे कि आप लोग देख रहे हो 35 मिनट्स में बैटरी देखो 58% है सो या गाइस अभी देखो अगर मैं टेम्परेचर दिखा दूं तो अभी इतना गर्म नहीं है फोन 34-35 डिग्री सेल्सियस हाँ तो मतलब अगर ये वाला खेलेंगे ना मल्टीप्लेयर वगैरह खेलेंगे टीडीएम वगैरह तो इतना गर्म नहीं होता फोन और अगर वो पूरा फुल मैच खेलेंगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है फोन डेफिनेटली मतलब ओवर हीटिंग का तो ऐसा कोई इशू लगा नहीं मेरे को लेकिन फोन गर्म तो होता है मल्टीप्लेयर खेलने पे और टीडीएम वगैरह खेलने पे इतना गर्म नहीं होता और भाई फोन बहुत ही मस्का चलता है सो गेमिंग के मामले में डेफिनेटली भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह इसमें बहुत अच्छे से चलता है जैसे आपने देखा तो भाई जो प्राइस है ना उसके हिसाब से भाई बहुत ही तगड़ा काम किया है मतलब मैक्स का फ्रेम रेट मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत अच्छी चीज़ है तो मतलब 60 FPS का एक कैपेसिटी है इसके अंदर लेकिन 60 FPS पे चलता नहीं अगर आप हाई पे रख के करो तो जो ग्राफिक क्वालिटी उसको मीडियम पे रख दोगे ना तो आराम से वो चल जाता है थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप फिर भी देखने को मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का फ्रेम ड्रॉप नहीं रहता तो आप डेफिनेटली गेम्स को बहुत ही आसानी से इसके अंदर एंजॉय कर सकते हो हाई फ्रेम रेट्स के अंदर भी तो ये मेरे को काफी सही लगा लेकिन डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक रखोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स तो आएंगे ही आएंगे लेकिन इतना अनबेरेबल नहीं हो जाता समझ रहे हो ना आराम से आप खेल सकते हो फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता 40 से 41 डिग्री के ऊपर गया नहीं तो भाई ये मेरे को काफी सही चीज लगी और मेरे हिसाब से भाई फोन डेफिनेटली वर्थ है मतलब गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है स्पेशली ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करूँ उसके अंदर अभी तक मैंने पबजी नहीं ट्राई किया भाई अगर आप लोगों को जानना है कि पबजी कैसा चलता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स उसके हिसाब से हम लोग उसके भी वीडियो बनाएंगे बाकी बस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी पसंद है लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के आइकन को भी दबा देना ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की वीडियो आप लोगों को मिल रहा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस बाय